हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारी शान और गौरव का प्रतीक है। हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है, लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी को झंडा फहराने में कुछ फर्क होता है। आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसे ही तीन बड़े फर्क के बारे में जानते हैं। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस वाले दिन राष्ट्रीय ध्वज को ऊपर खींचा जाता है और वहीं फहराया जाता है, इसे ध्वजारोहण कहा जाता है। वहीं 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस वाले दिन राष्ट्रीय ध्वज ऊपर ही बना रहता है और उसे खोलकर फहराया जाता है, जिसे झंडा फहराना कहते हैं। अंग्रेजी में ध्वजारोहण शब्द के लिए फ्लैग होस्टिंग और झंडा फहराने के लिए फ्लैग अनफर्लिंग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। 15 अगस्त को आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री शामिल होते हैं और इस मौके पर प्रधानमंत्री ही ध्वजारोहण करते हैं, और 26 जनवरी को आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रम में राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। अब आइए आगे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन लाल किले पर होता है, वहीं प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। प्रधानमंत्री इस मौके पर लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हैं। वहीं गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन राजपथ पर होता है और गणतंत्र दिवस वाले दिन राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। प्रधानमंत्री देश के राजनीतिक प्रमुख होते हैं, जबकि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं। देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उससे पहले ना तो देश में संविधान था और ना ही राष्ट्रपति। इसी वजह से हर साल 26 जनवरी को राष्ट्रपति राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं।